पे कुछ ऐसा ड्रामा देखने मिला जिसे देखकर आप भी हो जाओगे दंग। दोस्तों लास्ट बॉल पे एलर्जी को चाहिए होते हैं यहाँ पे एक रन एक बॉल पे, और दोस्तों यहाँ पे अगर आरसीबी एक विकेट निकाल लेती तो यहाँ पे आरसीबी मैच जीत जाती। दोस्तों लास्ट बॉल डाल रहे होते हैं हर्षल पटेल और दूसरे साइड पे होते हैं रवि बिश्नोई। दोस्तों लास्ट बॉल पे हर्षल पटेल मानकट करके रवि बिश्नोई को आउट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अंपायर यहाँ पे विकेट नहीं देते, जिसकी वजह से आरसीबी आज का मैच हार जाती है। दोस्तों क्या यहाँ पे ये विकेट देना चाहिए था या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हर्षल पटेल वो कर नहीं पाते और यहाँ पे रवि बिश्नोई बच जाते हैं। दूसरे बॉल पे फिर एक रन निकाल कर एलएसजी मैच जीत जाती है। दोस्तों आज का मैच बड़ा ही मजेदार था, आपको कैसा लगा मैच हमें जरूर बताएं। इंडियन प्रीमियर लीग, इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं आईपीएल की कल हुए मुकाबले के बारे में, आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मुकाबला। देखने लायक मुकाबला था, व्हाट अ मैच इट वाज। मैं कुणाल बारड आप सभी का जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट रिगार्डिंग एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कल मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस लखनऊ के बीच, क्या मुकाबला रहा। चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ये मैच था, पिच एकदम पाटा विकेट लग रही थी, पाटा विकेट यानी सपाट सीमेंट पिच भी इससे अच्छी टर्न दे आपको, ऐसी पिच थी। बॉलर के लिए पिच में कुछ था ही नहीं कि भाई कैसे गेंदबाजी करे, सिर्फ गेंद आके डाल दो दैट्स इट। फिर आगे बैट्समैन के ऊपर है, चौका गया छक्का गया सिंगल दिया, वो बैट्समैन की गलती की वजह से सब कुछ होगा। एज अ बॉलर इसमें कुछ करने को था नहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग साझेदारी निभाई। विराट कोहली आते ही लही में लग रहे थे, आते ही बहुत अच्छे शॉट खेल रहे थे। सामने डुप्लेसिस इतना अच्छा खेल नहीं रहे थे, तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहां पे थोड़ा मुझे लगा 10-15 रन कम हो गए। एंड एक वक्त ऐसा आया जब विराट कोहली 25 गेंदों में 45 तक पहुंच गए थे या 42-43 तक, फिर 50 रन बनाने में उसने 10 गेंदे खा दी, वहां पे भी मुझे लगा कि 5-10 रन कम हो गए आरसीबी के लिए। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने आके जो रस्सी कसी, जो भी बचा था रसा कसा वो सब आके खत्म कर दिया। मैक्सवेल की बहुत ही बढ़िया फायर, 29 गेंदों में 59 रन बनाए, एक जो स्ट्रेट में छक्का लगाया था मैक्सवेल ने वो देखने लायक था। हालांकि पूरी इनिंग देखने लायक थी, 212 रन बना दिए थे 20 ओवर में, बॉलर के लिए खास कुछ था नहीं। मिश्रा जी ने एक विकेट ली विराट कोहली की, वो भी मुझे पर्सनली लग रहा है कि सिक्स का बॉल था लेकिन कोहली से थोड़ी चूक हो गई और अपना विकेट गवा बैठे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की मार्क वुड ने, ऐसी पिच जहां पे फ्लैट एकदम कोई टर्न नहीं कोई बाउंस नहीं, वहां पे आके चार ओवर में सिर्फ 32 रन देना है, मैक्सवेल के विकेट लेना, उसमें से भी एक मेडन ओवर डालना, इनक्रेडिबल। मैं अगर होता तो मार्क वुड को ही मैन ऑफ द मैच देता। लेकिन उसके बाद पारी शुरू हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की, मोहम्मद सिराज क्या बॉलर बन गए हैं वो, मतलब जो लोगों ने उसका मीम बनाया था उसका ही उतना ही अच्छा आंसर दिया मोहम्मद सिराज ने। ऐसी पिच जहां पे फ्लैट सपाट पिच, चार ओवर में सिर्फ 22 रन दे के एक विकेट, इनक्रेडिबल। भले आरसीबी मैच हारी है लेकिन फिर भी मैं होता तो मोहम्मद सिराज मार्क वुड को मैन ऑफ द मैच देता। बहुत ही अच्छा शुरुआत की, काइल मेयर्स अपना खाता नहीं खोल पाए, राहुल टुक टुक खेल रहे है, पता नहीं ऐसे ही सारी गेम खेले राहुल तो उसका जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का करियर है वो भी खतरे में है, रेड बॉल क्रिकेट का करियर तो खतरे में है ही है। हालांकि उसको ड्रॉप भी किया गया, व्हाइट बॉल क्रिकेट का करियर भी उसका खतरे में आ सकता है। एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आसानी से जीत जाएगी, फिर मार्कस टोइनिस नाम का तूफान आया एंड उसने लाजवाब 210-220 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए एंड लखनऊ को गेम में रखा। उसका एक कैच ड्रॉप भी हुआ था, हालांकि मुश्किल कैच था लेकिन फिर भी वो कैच पकड़ना चाहिए था। उसके बाद और एक तूफान आया निकोलस पूरन के नाम का, भाई आप पानी पीने खड़े हुए हो गए और पानी पी के जब बैठोगे तब तक उसने अपने 50 रन पूरे भी कर दिए थे, महज 15 गेंदों में 50 रन बना दिए निकोलस पूरन ने। आईपीएल 2023 की सबसे फास्टेस्ट 50, 19 गेंदों में 62 रन बना के ऐसा लग रहा था कि वन तक एक साइडेड मुकाबला कर दिया एंड लखनऊ आसानी से ये मैच जीत जाएगी। लेकिन सिर्फ महज 20 गेंदों में 22-23 रन बनाने थे एंड पता नहीं कहां से मैच फंस गया लखनऊ के लिए।
एंड 9 गेंदों में 7 रन बनाने थे। बदोनी ने अच्छा शॉट लगाया, छक्का भी गया, लेकिन वो हिट विकेट आउट हो गए। फिर एक गेंद में एक रन और लास्ट ओवर ड्रामा चला। लास्ट ओवर में 5-6 रन चाहिए थे, हर्षल पटेल आए अच्छी गेंदबाजी की। 2 रन जो लिए ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बिश्नोई ने सिर्फ हल्का सा पुश किया एंड 2 रन भाग लिए, वो भी इंपॉर्टेंट 2 रन थे। लास्ट ओवर पे 1 रन करना था एंड हर्षल पटेल मेन कांड करने गए, लेकिन उसमें भी सफल नहीं रहे। फिर रनआउट के रूप में वो हालांकि गिना नहीं जाता है, ड्रामा 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 लास्ट ओवर ड्रामा। आखिरी गेंद डाला गया वो भी लगा नहीं, सीधे दिनेश कार्तिक के हाथ में गया, उससे भी चूक हो गई, वो भी नहीं पकड़ पाए। थ्रो करने गए लेकिन तब तक तो मैच ओवर हो चुका था। लखनऊ सुपर जायंट ने 1 विकेट से मैच को जीत लिया। 213 रन चाहे थे जीतने के लिए, वो आखिरी गेंद पे आए। क्या मैच था, देखने लायक मैच था, सब कुछ था इसमें, ड्रामा था, थ्रिलर था, लोगों के एक्सप्रेशन थे, खिलाड़ियों के एक्सप्रेशन थे, गौतम गंभीर के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। लास्ट में जीत के उंडरकट ने जो हेलमेट, आवेश खान ने जो हेलमेट फेंका है वो देखने लायक था। सब कुछ था ये मैच में, प्योर एंटरटेनमेंट था। हमें लग रहा था कि भाई रिंकू सिंह के 5 सिक्स के बाद ऐसा मैच होगा नहीं, हालांकि वो मैच को अभी भी मैं 2 मार्क्स प्लस दे रहा हूँ, लेकिन ये मैच भी एकदम थ्रिलर एंटरटेनिंग था, देखने लायक मैच था। अभी तक आपने देखा नहीं है तो जियो सिनेमा ऐप में जाके पूरी मैच की हाईलाइट देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।